नागपुर के ऐतिहासिक धरोहर में शामिल कस्तूरचंद पार्क को अतिक्रमण से मुक्त के आदेश बॉम्बे हाईकोर्ट के नागपुर खंडपीठ ने दिए थे, जिसका निरीक्षण करने के लिए न्यायमूर्ति रवि देश पांडे और पुष्पा गन्नेडीवाल ने शनिवार को परिसर का दौरा किया। निरीक्षण के दौरान लापरवाही का नजारा साफ दिखा। रवि देश पांडे और पुष्पा गन्नेडीवाल के साथ निरीक्षण के दौरान पक्ष और काउंसिल भी मौजूद थे। कोर्ट में दायर जनहित याचिका में जिला प्रशासन द्वारा हो रही लापरवाही के कारण ऐतिहासिक स्थान के व्यापक दुरुपयोग को उजागर करने वाली रिपोर्ट के आधार पर यह निरीक्षण किया गया। रिपोर्ट के अनुसार प्रशासन अपना काम जिम्मेदारी से नहीं कर रहा है। उन्हें आदेश दिए गए थे कि कस्तूरचंद पार्क को अतिक्रमण से मुक्त कर विकसित किया जाए, लेकिन कभी बारिश तो कभी मेट्रो का हवाला देकर काम को निलंबित किया जा रहा था। निरीक्षण के एक दिन पहले प्रशासन सचेत हो गया और साफ सफाई करने में जुट गया, जिससे प्रशासन की लापरवाही नागपुर खंडपीठ के सामने आ गई और उन्होंने इस पर नाराजगी भी जताई। आज कस्तूरचंद पार्क इथे व्हिजिट दिलेली होती। कारण काय, पिटिशनच्या द्वारे कोर्टासमोर हे ठेवलं गेलेलं होतं की कोर्टाने बरेच ऑर्डर पास केल्यानंतर त्याचं उल्लंघन होतं आहे आणि इथं निष्काळजीपणाने हे सगळे अथॉरिटीज वागतात आहे। आज म्हणूनच माननीय हायकोर्टाला इथे चालून यावं लागलं आणि त्यांनी जेव्हा वस्तुस्थिती पाहिली ती खूपच गंभीर आणि निराशावादी होती। त्याच्यासाठी हायकोर्टाने सगळं निरीक्षण केल्यानंतर असं काही सजेशन्स अथॉरिटीजला, म्हणजे जसे कलेक्टर साहेब आले होते, कमिशनर साहेब आले होते, त्यांना दिले आणि ते आम्ही कोर्टाच्या समोर ॲफिडेविट लावून आजची वस्तुस्थिती दर्शवून कोर्टाकडनं ऑर्डर घेण्याचा प्रयत्न करू। माननीय आर के देशपांडे साहेब हायकोर्ट जज आणि माननीय पुष्पा गन्नेडीवाला हायकोर्ट जज, हे दोघं जजेस आज कस्तूरचंद पार्क ग्राउंडमध्ये आलेले होते।